अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी वन पॉट मटन तहारी। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तहारी को बहुत मज़ेदार बनती है तहारी, तो इसके लिए मैं कुकर में अब हम तेल ऐड कर देंगे। कुकर गर्म हो गया, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। खुला होल गरम मसाला, दो इलायची, एक लौंग, एक दालचीनी का चकला और शाहजीरा। इसके बाद हम एक छोटी साइज़ की प्याज कट करके डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद हम मटन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, हल्दी पाउडर आधा स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डाल देंगे 1 स्पून, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 स्पून डाल देंगे। वे सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए हम तेल में इसी तरह से भून लेना गोश्त को। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के ले ली मैं। मेथी की भाजी ले लेंगे थोड़ी सी, कोथमीर और पुदीना ले लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये नली की वजह से मेरे को हिलाने नहीं आ रहा था, माइंड मत कीजिए प्लीज़। अब हमें ये पानी पूरा सूखने तक, गोश्त गलने तक ढक्कन लगा के पका लेंगे। अभी चेक कर लेंगे हम, ये देखिए पानी सूख गया। अब हम अच्छे से टमाटरों को भून लेंगे। कुकर में बनाने की वजह से बहुत जल्दी बन जाती तहारी है। ये देखिए टमाटर गल गए। अब हम इसमें सेम की फली डाल देंगे थोड़ी सी तोड़ के, 1 मुट्ठी जितनी। इसमें बीन्स की फली भी डाली, आप बहुत अच्छा बनती है तहारी बीन्स की फली डालने से भी। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं डाली। अच्छे से मिला लेंगे फली डालने के बाद में। अब हम इसमें दही डाल देंगे, 4 टेबलस्पून दही डाली मैं। 2 पर्सन के लिए बना रही मैं ये तहारी। आप अपने हिसाब से बना ले सकते हैं, आपको कितने जनों के लिए होना। 2 से 3 पर्सन खा सकते हैं इसमें।
दही डालने के बाद में अच्छे एक साथ चमचा हिलाते जाना, दही को अच्छे से भून लेना। ढक्कन ढाप के पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए दही अच्छे से भुने गया। जब भी आप तहारी बना रहे कम लोगों के लिए तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चावल को धो के रख ली थी मैं, एक माप चावल है ये। सोना मसूरी राइस ली मैं। अब इसमें का पानी पूरा निथार के चावल को डाल देंगे हम। अब हम इसमें एक गिलास जितना पानी डाल देंगे। कुकर में बनाने की वजह से पानी कम लगता। अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा कोथमीर और पुदीना बच गया था वो भी डाल देंगे। एक बड़े साइज का नींबू का जूस डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे हम इसको फिर से। अच्छे से मिला लेने के बाद में हम दो हरी मिर्चियाँ चीर के डाल देंगे, स्लिट करके डाल देंगे। अब हम ढक्कन ढाप के कुकर का 2 से 3 सीटी लगा लेंगे हम। अगर आप बड़े कुकर में बना रहे तो 2 सीटी लगाइए, छोटे कुकर में जल्दी जल्दी होती सीटी तो इसलिए 2 से 3 सीटियां होने दीजिए। ये देखिए हो गया 2 से 3 सीटियां, तहारी बन के रेडी हो गई हमारी। एकदम अच्छा बना चावल। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबादी 1 पॉट मटन तहारी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए चावल खिले खिले बने। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी। झटपट बन के रेडी हो जाती। ये देखिए गोश्त भी अच्छे से गल गया। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे तो कैसी बनी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।